आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 का रिज़ल्ट आया है फाइनल, और उसमें मेरी 35th रैंक आई है। तो इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब जो 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था उसका मतलब मुझे उसकी सक्सेस मिल पाई। और मेरी मेहनत के अलावा और भगवान की कृपा के अलावा कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। मतलब मेरे मम्मी पापा बहन, बाकी फैमिली में रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और भी कई सारे लोग, कई बार तो जिनके नाम मैं जानता भी नहीं हूँ, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरी स्ट्रैटेजी शुरू से यही थी, क्योंकि मैंने कोविड वाले साल में तैयारी शुरू की तो उस साल कोई कोचिंग्स खुले नहीं थे, तो घर पर ही बैठकर मैंने पूरी तैयारी की है। तो मैं बस ये करता था कि अलग अलग टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पर वीडियोज़ से देखता था, और जिसकी स्ट्रैटेजी मतलब नोट्स बना लेता था कि किस टॉपर ने क्या क्या कहा है, और फिर हर टॉपर की स्ट्रैटेजी में से वो वाले पॉइंट्स निकालता था जो मुझे सूट करते थे, और उसको सबको कंपाइल करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। सोशल मीडिया तो इंडीड काफ़ी आजकल नकारात्मक रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो नकारात्मकता को दूर हटाते हुए अगर अपन फोकस्ड रूप से सोशल मीडिया का यूज़ करें तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सवाल पूछे गए, किस तरह के सवाल? अलग अलग तरह के सवाल थे, जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ तो मुझसे मैथ्स के सवाल पूछे कि वैदिक मैथ्स क्या होता है, और मैंने मतलब अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के दौरान छोटे बच्चों को पढ़ाया भी था जो गरीब बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे और छोटे बच्चे जो जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं और अगर वो पढ़ाई में वीक हैं तो आप उनको कैसे मैथ्स में इंटरेस्ट दिलवा पाओगे, तो उस पे सवाल थे। खंडवा में किशोर कुमार की नगरी कही जाती है, तो उन्होंने पूछा था कि कौन फेमस पर्सनैलिटी खंडवा से हैं, उनके भाइयों के नाम पूछे उन्होंने मुझसे। और MP में इतना फॉरेस्ट एरिया है तो बायोडाइवर्सिटी का अभी क्या इम्पोर्टेंस है क्लाइमेट चेंज के इसमें, तो ये सारे सवाल अलग अलग तरह के सवाल थे। ये मेरा अटेम्प्ट पहला था, और थैंकफुली पहले अटेम्प्ट में मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था। और व्यापारिक बैकग्राउंड होने के बाद भी मतलब मैं ये चाहता था कि कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में जाऊँ, क्योंकि अगर अपने पोटेंशियल का यूज़ मैं दूसरों के बेनिफिट के लिए कर पाऊँ तो उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो इसी वजह से मतलब कुछ भी करना था लेकिन मुझे पब्लिक सर्विस में जाना था, ये मेरा मेन एम था। इसकी UPSC की जो एग्ज़ाम थी, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इससे मुझे पता चला कि काफ़ी बड़े स्तर पर काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को आप अपने पोटेंशियल का बेनिफिट दे सकते हैं, उनकी सर्विस में अपना टाइम और एफर्ट लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर इसमें हम कोशिश करें तो काफ़ी अच्छे से मैं अपने पोटेंशियल का यूज़ कर पाऊँगा और पब्लिक सर्विस में अपना डिवोट कर पाऊँगा।